देश के कई इलाकों में नागरिक संशोधन बिल को लेकर हो रही आगजनी पर गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ तत्व जो संसद में पिट गए हैं वो बाहर आकर आग लगाकर अपना बदला लेना चाहते हैं, जिन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। राहुल के चुपचाप विदेश जाने पर विज ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी दूसरों को जेल में डलवा कर ये लोग भाग जाया करते थे। इनका काम है, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी ये दूसरों को जेलों में डाल के आप भाग जाया करते हैं। ये कुछ तत्व हैं जो पार्लियामेंट में पिट गए और अब वो बाहर आके अपना बदला लेना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं, उनको कभी भी इजाजत नहीं दी जाएगी। सर पहले भी रोहतक से ही आज नहीं, हमारा प्रशासन चौकस है, किसी भी हालत में किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। देखिए कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या कोई और हो, ये सब देश में आग लगाना चाहते हैं, मुद्दे पर गैर मुद्दे पर। अब ये जो नागरिकता संशोधन बिल है जो पास हुआ है, अब इसमें किसी के ऊपर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी की नागरिकता को छीन नहीं रहा है। ये जो लोग प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में आ गए और गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, उनको नागरिकता दे रहा है, उनसे कुछ ले नहीं रहा है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। विश्व ने कहा कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं ये सब देश में आग लगाना चाहते हैं, मुद्दा हो या गैर मुद्दा। विज ने कहा कि हरियाणा में प्रशासन चौकस है और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अम्बाला से न्यूज के लिए कृष्णा बाली की रिपोर्ट।